हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो आपके बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला आपका हम पेपर देख रहे हैं और उसमें हम आपके गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे थे और आज हम सेकेंड उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आपके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आपका हम गाउस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंसिडर करेंगे कि एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज एंड डेंसिटी है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने आपके लिए है रो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना चार्ज है और वॉल्यूम कितना है। तो अगर इस केस में अगर हमें निकालनी पड़े, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हमने जो रेडियस ली है वो स्मॉल आर ली है, तो अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़े तो आप लिखेंगे क्यू इस स्पेयर के लिए 1/4 πr³, तो यहाँ की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, एक तो आपके सरफेस पे किसी पॉइंट पी पर आपके स्पेयर के बाहर की तरफ कोई भी पॉइंट है पी, जो इसे हम अगर हमने कैपिटल आर डिस्टेंस पे या फिर स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपके कोई भी डिस्टेंस है ओरिजिन से, उस पे हमें अगर निकालना हो पॉइंट पी पर, तो वो क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस पे अगर हमारा कोई पॉइंट है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसके अंदर अगर पॉइंट है आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे आपके गाउस लॉ की हेल्प से। तो गाउस लॉ में सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं, तो इसमें हम आपके चार केस देखेंगे। तो पहला केस उसमें आपके है कि जब केस फर्स्ट आपका क्या है, जब आपका पॉइंट पी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सरफेस से कैपिटल आर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो हमने केस लिया है ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है आपका और यहाँ कोई पॉइंट पी है जो कैपिटल आर डिस्टेंस पे है और इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर लिखी थी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, गाउशियन सरफेस। तो गाउशियन सरफेस हम एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्या है, गाउशियन सरफेस, और इसमें हम क्या लगाएंगे हमारा फिर गाउस लॉ। ठीक है, तो ओ से पी की डिस्टेंस आपकी आर है और इसमें हमारा गाउस लॉ लगाएंगे हम। तो गाउस लॉ क्या बोलता है कि आपका जो फ्लक्स होता है, तो हमने इधर एक एलिमेंट कंसिडर किया है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, इस डायरेक्शन में आपके होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें इस गाउशियन इस छोटे से एलिमेंट पे, तो आपका क्या होगा फाई, फ्लक्स आपका क्या होगा फाई, क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है तो एस ई डॉट डी एस, क्योंकि आपके ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 0। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है तो कॉस थीटा 1 होगा, तो फाइ इज इक्वल्स टू ई डी एस, और डी एस आपका क्या है सरफेस, तो इसका सरफेस इंटीग्रल अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा फाइ की वैल्यू क्या आएगी, ई डॉट 4π कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया फ्लक्स, इस गाउशियन सरफेस से कितना फ्लक्स आपका ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा फ्लक्स आ गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे आपके गाउस थ्योरम की से, गाउस थ्योरम आपका क्या कहता है, तो गाउस थ्योरम से आपके आता है कि आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आपके गाउशियन सरफेस के अंदर कितना आपका टोटल चार्ज है अपॉन
एप्सिलॉन 0। तो टोटल चार्ज आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे कितना है, प्लस क्यू और एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको पता है फाई की वैल्यू क्या ही है, ई 4 पाई r² इजिकल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, पॉइंट पी पर, तो वो आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन r² और के आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब आपका पॉइंट कहाँ पे स्थित है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे आपका है, तो उस कंडीशन में हमने क्या निकाला है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रो आपका क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई r³। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ से अगर आप क्यू की वैल्यू निकाले तो आती है क्यू इजिकल्स टू रो मल्टीप्लाई में 4/3 πr³। ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, रो अपॉन 3 εr³ अपॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी फॉर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, ठीक है। ये आपका इधर चार्ज की फॉर्म है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है, जब आपका पॉइंट पी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर से कितनी डिस्टेंस पे हो, ये स्मॉल आर आएगा और ये कैपिटल आएगा, सॉरी ये कैपिटल आर के कंडक्टिंग स्पेयर के थे, इधर कैपिटल आर आएगा। सो ये इस कंडीशन में आपके पास ये निकल के आता है, ओके। अगर आपका पॉइंट पी सरफेस पर ही हो, अभी हमारा हमने केस दूसरा आपका क्या है, ये आपका कंडक्टिंग स्पेयर है, नॉन सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ली है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपका पॉइंट पी सरफेस पर ही हो तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगी, इक्वल होगी, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर लिखेंगे, तो आपके पास आएगा जो वैल्यू आएगी ई की, वो आएगी ई कैपिटल स्मॉल आर अपॉन 3 εr, ओके। और स्मॉल आर आपकी क्या है, इसकी रेडियस, जो आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस आपकी क्या आएगी, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपके दो केस हो गए, जब आपका सरफेस पे है और जब आपका आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट स्थित है उस कंडीशन में आपके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तीसरा जो हमारा केस है, वो हमारा है जब आपका कैपिटल आर स्मॉल आर से कम हो। इसका क्या मतलब है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस हमने क्या ली है, स्मॉल आर। अगर आपको इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, ये पॉइंट पी है जिसकी ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस देखूं, सॉरी ये आपका पॉइंट पी है, ये कैपिटल आर दी हुई है, ये स्मॉल आर है, अगर अंदर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाउशियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये आपका केस थर्ड है, तो गाउशियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी गाउशियन सरफेस हो गई, कितनी, एक हमने गाउशियन सरफेस आपकी ड्रॉ की है, ये क्या हो गई गाउशियन सरफेस, और ये आपके क्या हो गई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। तो हमें क्या करना है, सिंपली आपका क्या अप्लाई करना है, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ आपका क्या बोलता है, फाई आपका क्या होता है, क्यू अपॉन εr। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्लस टोटल आपका चार्ज है किसके अंदर होता है, गाउशियन सरफेस के अंदर चार्ज, ठीक है। तो आपका समेशन क्यू क्या होता है, गाउशियन सरफेस के अंदर आपका कितना चार्ज है, तो अगर मैं प्लस क्यू लिखूँ तो प्लस क्यू चार्ज तो आपका टोटल इस सरफेस पर है, और अगर गाउशियन सरफेस के अंदर अगर हम चार्ज देखें तो ये आपकी गाउशियन सरफेस है, और इसके अंदर अगर मैं चार्ज को क्यू डैश ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 5 क्यू डैश एप्सिलॉन 0। तो क्यू डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
आपको पता है रो क्या है आपका, क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब, या आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। यहाँ से अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू निकालूँ तो क्यू डैश क्या आएगा, रो, और वॉल्यूम किसका लेते हैं हम, वॉल्यूम यहाँ किसका आएगा आपका, गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, क्योंकि पॉइंट पी पर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस एरिया के कारण आएगा, इस एरिया के कारण नहीं आएगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेंगे तो क्यू डैश आपके पास क्या आएगा, रो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4 पाई फोर बाय थ्री आर क्यूब, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू, तो क्यू डैश की यहाँ से रो की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो रो की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ से तो क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब 4 बाय 3, जब भी 4 बाय 3 आएगा आपके कैपिटल आर क्यूब, तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू आएगी आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ये आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई। पाई फ्लक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आई थी ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, गॉस लॉ में हम वैल्यू पुट करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू हमने पिछले केस में भी निकाली है आपके, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्यू आर क्यू अपॉन स्मॉल आर साइलेंट 0, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर क्यू स्मॉल आर क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्यू, और अगर आप इसको चाहें तो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो कैपिटल आर 1 3 7 0। तो ये किस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका पॉइंट जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर की तरफ स्थित हो, तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, कि पॉइंट कितनी डिस्टेंस से दूर है, ठीक है, उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ओके। बाकी सब चीज़ें देखो कांस्टेंट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल आर पे, और कैपिटल आर आपके क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है आपका ओरिजिन से, ओके। और नेक्स्ट जो हमारा केस है, केस 4, उसमें हम निकालेंगे कि आपके सेंटर पे अगर हो, तो सेंटर पे आपको पता है कि सेंटर पे आपका स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो कैपिटल आर की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो इस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इनसाइड उसके जो होता है, उसके अंदर की तरफ जो होता है वो 0 नहीं होता है, तो सेंटर पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करें तो, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के, इसकी रेडियस थी स्मॉल आर, डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, अगर हम इनसाइड हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, और बाहर की तरफ किस तरह से ड्रॉप होता है आपका, 1/r² के प्रोपोर्शनल, तो कुछ इस तरह से कम हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, कम होता जाता है, मैक्सिमम होता है आपके सरफेस पर, ओके। तो इस तरह से हमने आपका गॉस लॉ की हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।